पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। इस तरह से धमकियां देने से, कोर्ट जाने से कोई ना फैसले बदलते हैं ना डिसीजन बदलते हैं किसी भी तरह के। हरियाणा पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से बिना किसी प्रेजुडिस के दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है और राष्ट्रीय राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी को किसी भी तरह के पानी की कमी करना हरियाणा द्वारा जानबूझ के करना, ये कल्पना से परे है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज़्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। देखिए, मैं पिछले 2 दिन से प्रेस मीडिया मेरे से सवाल पूछ रहा है। मेरी समझ नहीं आता कि इश्यू बिना काम का क्यों क्रिएट किया गया है। दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसिक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में भी 1049 क्यूसिक 1049 क्यूसिक उनको दे रहे हैं, और अगर सच मानो तो 350 क्यूसिक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं, समझ नहीं आता। जलाशय के स्तर की जो बात करते हैं, वो बात तो जब दिल्ली ने सीधी पाइप सप्लाई सीधी अपने सम्प से जोड़ ली तो उसके बाद में वो उसका तो लेवल की तो बात ही नहीं रही। जो वो लेवल की तब बात थी जब वजीराबाद इसमें आपका जो पौंड है उसमें पानी जाता था। अब तो दिल्ली ट्विन पाइपलाइंस डाल ली और दिल्ली काफी साल से सीधी सप्लाई ले रही, हरियाणा से ले रहे हैं और अपने सब में डायरेक्ट सप्लाई है, तो पौंड के लेवल की तो अब कोई बात ही नहीं, कोई रेलेवेंस ही नहीं। तो इस आरोप को लेकर के कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, हरियाणा को लेकर के बात कही जा रही है, क्या ये राजनीतिक तौर पर कही जा रही है या वाकई इसमें हरियाणा की तरफ से, और जो ये आंकड़े हैं ये बयानबाजी हरियाणा और दिल्ली के बीच की है या कैसे देखा जाए? देखिए, जब फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि मुद्दा है नहीं और फिर बयानबाजी की जा रही है, तो उसका तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो क्यों की जा रही है। बाकी जहां तक कोर्ट जाने की बात है, मतलब इस तरह से धमकियां देने से कोर्ट जाने से कोई ना फैसले बदलते हैं ना डिसीजन बदलते हैं किसी भी तरह के। तो प्रजातंत्र में संविधान ने वैसे भी अधिकार दे रखा है सबको कोर्ट जाने का, तो उसमें तो कोई मनाही हम कर नहीं सकते। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से बिना किसी प्रेजुडिस के दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है और राष्ट्रीय राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी को किसी भी तरह के पानी की कमी करना हरियाणा द्वारा जानबूझ के करना, ये कल्पना से परे। एक तरफ स्टेटमेंट देते हैं कि हरियाणा हमें पानी कम दे रहा है, दूसरी तरफ दोनों स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है। दिल्ली को पानी की और अगर जरूरत है तो SYL का पानी हमें दे दें, हम और दे देंगे। भाई, पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी आपकी है, अगर उनको हमारे से जितना हम दे रहे हैं इससे भी ज्यादा चाहिए, उसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट से हमें SYL का पानी दिला दें, उसके बारे में सोच लें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।